फ्रेंड्स, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड आप लोगों ने करण सिंह की स्टोरी को इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ भाई, आपको हॉरर स्टोरीज और चाहिए है। तो फील लेने के लिए हमेशा की तरह मैंने लाइट सारी ऑफ कर दी है। एंड दूसरी चीज ये कि मेरी सिस्टर आ गई, जिसने स्नैक्स जो है मेरे सामने लाकर रख दी है, ठीक है, लेकिन मैं अभी खाऊंगी नहीं। और करण सिंह की स्टोरी है, और ये स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, वही जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। बस आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताने की और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारी हॉरर स्टोरी के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग स्टोरी सुनने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Open the door. 1998. I have family in Goa, तो मैं उनके पास गया था। And I mean distant family. And so basically dad's friend, childhood friend, it's like family friends. And his name is Uncle Ronnie. तो मैं 6 साल का था जब ये बात है, 6 या 7 साल का। एंड हम वहां पे ऑल ऑफ अस आर इन गोवा, मी, माय मॉम, माय डैड, माय एल्डर ब्रदर रॉनी, रॉनीज सन एंड हिज वाइफ एंड दैट्स इट। ये सब थे और सब ने बोला हमको कहीं बाहर जाना है बीच बीच पे। आई वाज फीलिंग स्लाइटली लो एंड मैं बोला मैं घर पे ही रहूंगा विद देयर सन। एंड देयर सन इज समवन हु आफ्टर द एज ऑफ 6 his brain didn't develop. He's 24 years old at that time, but his brain didn't develop after the age of 6. ये Ronnie uncle के Ronnie uncle के बेटे हाँ, his name is Jacob. वो कभी उनका 6 साल के बाद brain develop ही नहीं हुआ उनका। ये करण सिंह मैजी के पापा के बेटे हैं। नहीं, करण सिंह मैजी के पापा के दोस्त के बेटे। अच्छा, sorry. And we reached there and तो वहां पे गए, सब चले गए टू वॉच टू शॉप और टू गो टू अ बीच और समथिंग। और मैं रॉनी के साथ वहां पे, जेकब के साथ वहां बैठा हुआ। एंड जेकब सेज के मेरे को टॉम एंड जेरी देखने, 25 ईयर ओल्ड बॉय सेज मेरे को टॉम एंड जेरी देखने। मैं 6 साल का बच्चा, बोला हाँ टॉम एंड जेरी। और उस टाइम पे ना वो VCR होता था, दिस इज अराउंड द टाइम यू वर बॉर्न, सम एक VCR टेप होता था व्हिच यू कैन इंसर्ट दैट स्टार्ट्स प्लेइंग इट। सो ही गेट्स अप, ही पिक्स अप दैट VCR टेप एंड ही He's about to put it in the television, and the television mein thoda static sa aata hai, zara sa, there's a little bit of static that comes. He's going to put it, and then he doesn't put it, and he just sits like this with his hand pointing towards the power button of the VCR. Thoda slouch ho gaya aise, he's just sitting there. And I said, Jacob, and I hear, and I said, Jacob, and again I hear a little bit of, I said, Jacob, what's happening? And then he sort of looks at me and goes like, nothing. And then he looks again at the TV. And his eyes, I can feel his eyes rolling up. And I hear, Ronnie, you bastard! He starts running towards me and I go out to the room. You were scared? I shut the door and I lock the door and he starts banging on the door again and again and again. He said, open the door! Open the door! Ronnie opened the door, but he didn't, and I obviously didn't, and I was shitting my pants, and I'm sitting in the bathroom waiting for them to come. And then after a short time I hear the car roll and I hear my parents come back, and I run out saying there's something wrong with Jacob. And his parents are like, nothing is wrong. Ronnie uncle is like, nothing is wrong. And I said he's inside that room, he's going crazy. And we open the door, he's sitting there watching Tom and Jerry on his rocking chair and just smiling, looking at me. वहां पे कुछ मर्डर हुआ था पूरी फैमिली का। सो एट नाइट एट 2 AM यू कैन सी लाइक द एंटायर लाइक There are like 8 women who are in white sarees over there, and they don't even charge much. हमेशा पपट कर देते हैं इनमें। बात और बीच में स्कैरी था वुमन। उसने तो चिल्लाया। हाँ, जिस तरीके से।
अच्छा वो अभी मेरी सिस्टर सामने नहीं आ रही, लेकिन आप लोग उसकी आवाज सुन सकते हो। स्टोरी छोटी थी लेकिन बहुत हॉरर थी, वो जिस तरीके से बीच में जो ट्विस्ट लग रहा है और जिस तरीके से बोला गया ना, हाय हाय ये भी यहाँ पर काम गई, मैं भी यहाँ पर काम गई। कैसे चिल्लाया वो, बहुत 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 ही। अभी ये सच में होगा ना भाई साहब, वो तो 5-7 साल का था। हाँ ये वो 25 इयर्स का था, उसका ब्रेन जो थोड़ा स्लो, हाँ स्लो था ना। एंड थी एकदम जबरदस्त स्टोरी थी। एंड आप लोगों ने मुझे एक चैनल भी बताया है, डेफिनेटली मैं वो वाले चैनल को भी विजिट करूंगी और उनके जल्दी से रिएक्शंस लेकर आऊंगी, तो कहीं आप लोगों से वो मिस ना हो जाए वीडियो, तो जल्दी से अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो पसंद आया है क्योंकि मुझे स्कैरी सच में लगी है, आप लोगों को भी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफकोर्स समय के फैंस के साथ में, करण के फैंस के साथ में, सुहानी के फैंस के साथ में, एंड गेमर फील्ड के फैंस के साथ में भी। एंड और कुछ नहीं, मुझे यहाँ तक देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसकी शुरू हो गई मस्ती यार, इसलिए इसको मैं रूम में एंट्री नहीं देती हूँ। बाय गाइस।